हेलो एवरीवन, सो देयर आर सम फ्यू क्वेश्चंस. डू योर सेल्फ क्वेश्चंस फर्स्टली, ट्राई योर सेल्फ एंड आफ्टर दैट यू कैन वॉच द वीडियो. ओके, सी. सो इससे पहले जो वीडियो थी, इन विच हमने फॉर्मेशन क्या था किसका, दिस इज वी डिड बिफोर दिस द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन एंड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हमने रिएक्शन किया था. ओके, नाउ सो सम क्वेश्चंस टू योर सेल्फ. सो फर्स्टली यू ट्राई योर सेल्फ. ओके, सी, देखो, जब भी कोई भी रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, ओके, सो वहाँ याद रखो क्या हो रहा होगा, होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा होगा. होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब, फॉर एग्जांपल ए एंड बी है एंड दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएगा इक्वली टुवर्ड्स द बोथ. ओके, सी, इन दिस इफ आई एम ड्रॉइंग द हाइड्रोजन, दिस इज कार्बन हेयर, दिस इज हाइड्रोजन हेयर, दिस इज हाइड्रोजन हेयर. ओके, दिस इज कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन हेयर, दिस इज हाइड्रोजन हेयर, दिस इज कार्बन हाइड्रोजन हेयर एंड हाइड्रोजन हेयर. ओके, चाहे आप ये पोजिशन लो, चाहे आप ये पोजिशन लो, चाहे आप ये पोजिशन लो या फिर आप ये पोजिशन लो. देखो, जब भी हम ये रिएक्शन करेंगे, इन दिस केस होमोलिटिक क्लीवेज होगा, मतलब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा एंड द फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड एट दिस प्लेस ऑन द कार्बन एंड इफ वी आर डूइंग द होमोलिटिक क्लीवेज दिस साइड द फ्री रेडिकल फॉर्म्ड ऑन दिस कार्बन. देखो, यहाँ से मैं बनाती हूँ एक बार. देखो क्या होगा अगर हम होमोलिटिक क्लीवेज कराते हैं. सो देयर आर टू प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड. वन, व्हेन द होमोलिटिक, व्हेन द दिस ऑन दिस कार्बन, दिस फ्री रेडिकल ऑन दिस कार्बन एंड इफ द फ्री रेडिकल ऑन दिस कार्बन. हेयर दिस फ्री रेडिकल इज स्टेबलाइज्ड, हेयर दिस फ्री रेडिकल इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू कंजुगेशन, बिकॉज फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड. सो यहाँ पे ये फ्री रेडिकल क्या है, वो स्टेबलाइज होगा विद द हेल्प ऑफ दिस डबल बॉन्ड. मतलब यहाँ पे क्या है, कंजुगेशन है. बट इन दिस देर इज नो कंजुगेशन. देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड देर इज डबल बॉन्ड, तो बीच में क्या है, दो सिंगल बॉन्ड आ गए. सो यहाँ पे क्या हुआ है, कंजुगेशन जो है, जो कंजुगेशन है वो क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है. सो ठीक है, फॉर दिस हम ये वाला प्रोडक्ट जो है वो नहीं लेंगे. इन दिस केस ब्रोमीन में सेम फ्री रेडिकल का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री रेडिकल होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा एंड होमोलिटिक क्लीवेज में बी आर के पास फ्री रेडिकल आएगा एंड डैट बी आर इज अटैच एट दिस पोजिशन. सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, इन दिस केस देखो यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, बी आर टू एड कर रहे हैं एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. ओके, दिस इज क्लियर, यहाँ पे भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा. बट इन दिस देर इज टू पोजिशन फॉर द होमोलिटिक क्लीवेज. वन इज दिस, आई एम राइटिंग दिस वन एंड अनदर दिस, आई एम राइटिंग दिस टू. ओके, एंड आई एम मेकिंग द स्ट्रक्चर आफ्टर फ्री रेडिकल, आफ्टर होमोलिटिक क्लीवेज. ओके, सी, दिस इज एनओ टू जिसका कोई भी रोल नहीं है. दिस इज सी, आई एम मेकिंग द फ्री रेडिकल एट दिस पोजिशन. दिस इज एच हेयर एंड दिस इज सी एस थ्री. ऑन द अदर साइड आई एम मेकिंग दिस फ्री रेडिकल, आई एम मेकिंग द फ्री रेडिकल एट दिस कार्बन, कार्बन नंबर टू. ओके, एंड टू हाइड्रोजन एंड इन दिस केस दिस फ्री रेडिकल इज स्टेबलाइज बाय दिस बेंजीन रिंग. ओके, बट दिस इज नॉट स्टेबलाइज बाय द बेंजीन रिंग एंड यू हैव स्टडीड एट जहां भी रेजोनेंस हो रहा है डैट इज स्टेबल. ओके, सो ठीक है, सो यहाँ पे हमें रेजोनेंस मिल रहा है और रेजोनेंस जो है वो स्टेबलाइज ही करेगा इस फ्री रेडिकल को. ओके, सो द मेजर प्रोडक्ट द ब्रोमीन विल बी अटैच एट दिस पोजीशन. ये ब्रोमीन का अटैचमेंट जो होगा वो इस पोजीशन पे होगा एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट. ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम द एल्केन. सो यहाँ पे मार्कोनी फ्रूल एंड एंटी मार्कोनी फ्रूल यहाँ यूज होगा. ठीक है, सो मार्कोनी फ्रूल को समझने के लिए, मार्कोनी फ्रूल क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल
एनी ग्रुप, मतलब कोई भी ग्रुप जो है जो हम ऐड कर रहे हैं इन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन. ओके, दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन. द नेगेटिव हाफ ऑफ द रिएजेंट, इफ आई एम डिसोसिएट दिस, दिस इज एच प्लस एंड दिस इज सी एल एक्ट. ओके, दिस नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच टू द कार्बन एटम विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन. जहाँ पे हाइड्रोजन की अमाउंट कम होगी उस कार्बन पे जाके ये सी एल नेगेटिव पार्ट जो है ये लगेगा. ठीक है, वाइल जो ये हाइड्रोजन पार्ट है ये उस कार्बन से अटैच होगा जिसपे मोस्ट हाइड्रोजन होंगे. ठीक है, सिंपली अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. इसमें जब भी हम मार्कोनी रूल कर रहे हैं ना, आपको याद रखना है कि वहां पे क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा. ठीक है, एंड द 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज स्टेबल, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड द 0 डिग्री. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. ओके, वेन एवर वी आर डूइंग द मार्कोनी रूल इन दिस केस, सो दिस बॉन्ड मूव्स टूवर्ड दिस. वैन दिस बॉन्ड मूव टूवर्ड दिस, दिस कार्बन गेटिंग द माइनस चार्ज एंड दिस कार्बन गेटिंग द प्लस चार्ज. ओके, नाउ दिस सी एल हैविंग द नेगेटिव, दिस विल बी अटैक ऑन दिस एंड फॉर्म, एंड दिस एच प्लस हैव द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एंड हेयर द माइनस. सो मार्कोनी रूल में द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच टू द एट दैट कार्बन हैविंग द लीस्ट हाइड्रोजन एंड द हाइड्रोजन अटैच दैट पार्ट दैट हैविंग द मोर हाइड्रोजन. सी इन दिस द मेजर प्रोडक्ट इज, दिस इज सी एस थ्री हेयर, दिस इज एच हेयर, एट दिस पोजिशन क्लोरिन इज अटैच, दिस हेयर, दिस इज एच हेयर, दिस इज एच हेयर एंड एट दिस पोजिशन एच हेयर. अगर सिमेट्रिकल है तो किसी भी पोजिशन पर आप हाइड्रोजन लगाओ, किसी भी पोजिशन पर आप सी एल लगाओ. ठीक है, ये चीज़ याद रखनी. और जब भी परोक्साइड की प्रेजेंस में हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, वेन एवर रिएक्शन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ द परोक्साइड, सो यहाँ पे क्या यूज होगा, डेट इज एंटी मार्कोनिफ रूल यहाँ यूज होगा. एंड एंटी मार्कोनिफ रूल इज अपोजिट टू द मार्कोनिफ रूल. इन दिस केस दिस बॉन्ड मूव्स टूवर्ड्स दिस. ओके, एंड ये परोक्साइड वाला समझने के लिए बस थोड़ा आप मैकेनिज्म समझ लो. ठीक है, देखो इन मैकेनिज्म, इन एंटी मार्कोनिफ रूल, तो ये मेरी कोई पुरानी नोटबुक है, वेट, हालत ख़राब है बेचारी की, कोई नहीं. देखो इन एंटी मार्कोनिफ रूल, इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, जब भी हम परोक्साइड में एडिशन कर रहे हैं ऑफ एच बी आर टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन लाइक प्रोपीन, सॉरी, सो अगर हम एंटी मार्कोनिफ रूल करें इन द प्रेजेंस, इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड. ठीक है, सो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ दिस. ओके, अगर आप मैकेनिज्म समझ पाओगे तो आप इजिली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि हम मार्कोनी रूल में क्या कर रहे हैं एंड एंटी मार्कोनी रूल में हम क्या कर रहे हैं. ओके, देखो इन दिस, अगर यहाँ पे हमें क्या लेना है, एल्कीन लेना है, एच बी आर का एडिशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ द परोक्साइड. ठीक है, सो दिस इज परोक्साइड. व्हेन यू राइट दिस स्ट्रक्चर, दिस इज बेंजाइल परोक्साइड. इन दिस केस सबसे पहले क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, एंड ड्यूरिंग होमोलिटिक क्लीवेज दिस बॉन्ड ब्रेक्स लाइक दिस. जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ से आपको एक ये मॉलिक्यूल मिलेगा यहाँ से और एक ये मिलेगा. ठीक है, सो फ्रॉम हेयर दिस इज C6H5C डबल बॉन्ड O एंड O फ्री रेडिकल, टू मॉलिक्यूल यहाँ से मिलेंगे. नाउ दिस फ्री रेडिकल इज मूव दिस and this bond is goes to this as a free radical. When this bond goes to this, so at this position C6H5 we get a free radical. Okay, so देखो book में से ये कीड़े भी निकल के जा रहे हैं इस notebook में से. See, अगर and CO2 gas is removed from here. Okay, now in this case again homolytic cleavage take place. Now this bond goes to this and the जो free radical यहाँ पे है उस पर, and this bond move towards this.
ओके सो दिस फ्री रेडिकल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दिस फ्रॉम हेयर दिस गेट द एच एंड दिस बी आर फ्री रेडिकल इज रिमूव फ्रॉम हेयर नाउ व्हेन दिस फ्री रेडिकल when this free radical is moved and we are doing the homolytic cleavage here so when we doing the homolytic cleavage the free radical one free radical at this position and one free radical at this position so this bromine can attach at this position and bromine can attach at this position okay so if bromine is attached at this position the free radical is of 1 degree if Br attached at this position so we get the free radical at the second degree and we know that 3 degree free radical if we are talking about the free radical so 3 degree free radical is more stable than 2 degree 2 degree is more stable than the 1 degree okay so in this case free radical hame kaha mil raha hai at this position and free radical kaha mil raha hai hame at this position again when we get the free radical in this case the this is of 1 degree free radical and this is of 2 degree free radical again jab hum homolytic cleavage yahan pe fir se again hum hbr add karenge in this case hydrogen will be attached at this position and again hame kya mil jayega br as a free radical mil jayega ya fir br will be attached at this position hydrogen will be attached at this position and again hame yahan se kya mil jayega br इन नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे हैं हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं और एडिशन में हमें दो चीज़ चेक करनी है वन इज़ 1 degree एंड अनदर वन इज़ 2 degree सो 2 degree इज़ मोर स्टेबल डैट्स वाई जब भी हम एंटी मार्कोनिफ रूल यूज़ करेंगे सो जब हम मार्कोनिफ रूल यूज़ कर रहे थे इन मार्कोनिफ रूल जो भी हमारे पास रिएजेंट था उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस पे लीस्ट हाइड्रोजन है बट इन एंटी मार्कोनिफ नेगेटिव पार्ट जो है उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे क्या होगा मोस्ट हाइड्रोजन होगा ओके ये चीज़ आपको याद रखना है द स्टेप दैट दिस मैकेनिज्म इज फॉलो इज लाइक देखो देखो सबसे पहले सिंपल मैकेनिज्म इनिशिएशन स्टेप है कि कोई भी रिएक्शन को इनिशिएट कर रहे हैं सेकेंड में हम प्रोपोकेट कर रहे हैं देयर आर टू दिस इज़ 1 2 degree फ्री रेडिकल एंड वी गेट 1 degree फ्री रेडिकल टर्मिनेशन में फिर से बी आर लेंगे उसका हम होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे अगेन बी आर फ्री रेडिकल बनेगा एंड दिस बी आर फ्री रेडिकल इज अटैच एट दिस पोजिशन ठीक है सो दिस इज़ द मकैनिज्म विद द परोक्साइड ओके परोक्साइड केस में वेन एवर राइटिंग द परोक्साइड परोक्साइड एज अ रिएजेंट इज गिवन सो हमें वहाँ पे क्या करना है एंटी मार्कोनिफ रूल हमें वहाँ पे यूज करना है ओके सो इन दिस बॉन्ड मूव्स दिस वर्ड ओके बट वी विल गेट फ्रॉम हेयर दैट सी दिस इज सी एच थ्री एच हेयर दिस इज सी हेयर एच हेयर एंड एच हेयर इन दिस केस द ब्रोमीन नेगेटिव पार्ट इज अटैच टू वर्ड दैट जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा होगा मतलब इन दिस केस ब्रोमीन यहाँ अटैच होगा एंड एट दिस पोजिशन क्या अटैच होगा हाइड्रोजन अटैच होगा ठीक है सो वेन एवर द परोक्साइड इज गिवन डू द एंटी मार्कोनिफ रूल और नेगेटिव पार्ट हम उस कार्बन पे अटैक कराएंगे जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा देखो इन दिस केस व्हेन वी आर एडिंग द Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 सो एडिशन ऑफ ब्रोमीन एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एन एल्कीन results in discharge of reddish brown color of bromine ka reddish brown color jo hai wo disappear ho jayega for the detection of double bond in a molecule this reaction result in the formation of vicinal dibromide एंड विसिनल डाईब्रोमाइड का मतलब क्या होता है कि जो दो हेलोजन डाई मतलब डाई दो हेलोजन मतलब दोनों हेलोजन जो है वो एडजेसेंट जिस दोनों हेलोजन जो है वो एडजेसेंट कार्बन पे अटैच होंगे ओके इन दिस केस दिस एच हेयर दिस इज एच हेयर दिस इज ब्रोमीन दिस इज एच हेयर दिस इज एच हेयर एंड दिस ब्रोमीन एट दिस पोजिशन this bromine
is of reddish brown color. This bromine is a reddish brown color. ठीक है. And whenever we adding in the alkene, this is alkene भी है. Okay. जब भी हम एल्कीन में दिस रेडिश ब्राउन ब्रोमीन हम जब भी ऐड करेंगे, सो इसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा. मतलब जो रेडिश कलर है इसका, वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा. ठीक है. फॉर दिस अगर हमें टेस्ट फॉर डबल बोन आता है, तो इन दैट केस वी आर यूजिंग द ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4. CCl4 क्या है, डेट इज़ नॉन पोलर पीरियोडिक सॉल्वेंट हमारे पास होता है, एज अ सॉल्वेंट एक काम करता है. ठीक है. सो दिस इज इम्पोर्टेंट इन फॉर द CBSE पॉइंट ऑफ व्यू. सो ब्रोमीन डेट डिस, यहाँ पर जब भी ये ब्रोमीन है डेट इज़ ऑफ रेड कलर, और जब भी हम एल्कीन में ऐड करेंगे सो यहाँ से हमें विसिनल डाइब्रोमाइड मिलेगा, और विसिनल डाइब्रोमाइड जो है वो इसके रेडिश कलर, जब ये सारे इसके डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, सो इसका रेडिश कलर जो है वो भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा. थैंक यू.